आज हम बनाने वाले हैं खजूर पाक, जो इन दिनों में हर किसी के घर पे बनता है। पर कभी कभी कोई कहता है कि हमें कंफ्यूज होता है कि इसमें क्या चीज़ डालनी चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए और क्या मात्रा में डालनी चाहिए। तो आज हम आपसे एक्यूरेट मेथड शेयर कर रहे हैं और इसमें क्या क्या चीज़ डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये बना कर खाने में, और इसमें सारे न्यूट्रिशंस आ जाते हैं। तो अभी हम बनाना शुरू करें। इसके लिए हम लेंगे आधा कप कटे हुए बादाम, ऐसे बारीक बारीक काटने हैं। आधा कप हम ले रहे काजू, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। 1/3 कप हम ले रहे पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज। 1/3 कप हम ले रहे मेलन सीड्स, जो होते हैं ना खरबूजे के बीज, वो लेने हैं हमें। 1/3 कप हमें लेना है तिल, सफ़ेद वाला या काला वाला भी, सफ़ेद वाला इसमें अच्छा लगता है। नारियल लिया है हमने 1/2 कप, किसा हुआ नारियल पहले से तैयार करके रखा है हमने, वो भी लेना है, इसमें ऑयल की मात्रा भी भरपूर रहती है। टॉपिंग्स के लिए ले रहे हैं हम पिस्ता, और ये ले लिया है हमने पॉपी सीड्स, खसखस, ये हमने लिया है 1/2 टेबल स्पून। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है खजूर, जो कलमी खजूर होता है वो हमने लिया है, और वो लिया है हमने 2 कप। इसको हमें कुछ भी छोटा मोटा कटिंग नहीं करना है, खाली इसको हमें सीड्स निकाल देना है। ये खजूर अपने आप में ही बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत स्वीट भी होता है, और डेट्स तो नेचुरल स्वीटनर होता है, तो हमें इसमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीज़ें देखो हमारी तैयार है, कितनी हेल्दी है। ये चीज़ें हम अपने आप ऐसे भी खा सकते हैं, और जब हम आपस में मिला के इसको खजूर पाक बनाते हैं तो बहुत ही हेल्दी होता है। आपको और कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप ये एक लड्डू खा लेते हैं। तो अभी हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को सेकते हैं। पहले हमने बादाम ले लिए हैं। बादाम को सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसके लिए हमें उसको सबसे पहले लेना है, और एकदम धीमी आंच पे ही हमें सेकना है इसको। अभी हम डालेंगे ऊपर से पम्पकिन सीड्स, और ये जो आपको बताया है आपको वैसे ही 1:1 करना है। अगर आपको नहीं होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप एक एक चीज़ सेक के अलग निकाल के रख सकते हैं। अभी हम डाल रहे हैं मेलन सीड्स। मेलन सीड्स और काजू को कम समय लगता है, तो बादाम और पम्पकिन के सीड्स सीख जाते हैं, उसके बाद में हमें इसको डालना है। अभी सबको अच्छे से सेक ले रहे। अभी डाल दिया हमने तिल। तिल तो एकदम फटाफट सीख जाते हैं, और कढ़ाई भी अभी गर्म है, ये सारी चीज़ें गर्म हैं। अभी हम डाल रहे हैं ऊपर से नारियल किसा हुआ, जो हमने तैयार रखा था, और इसमें सूखा नारियल ही लेना है, आपको पहले भी बताया है, और नारियल जल्दी से लाल हो जाता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। और अभी हमने डाल दिया पॉपी सीड्स, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और जैसा अंजीर डाला हो ना वैसा लगता है। और ऊपर से अभी हम डाल रहे खजूर। गैस अभी भी हमने धीमी आंच पे चालू ही रखा है, और सारे हम खजूर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर में। और थोड़ा सा आपको ऐसा मिक्स करने में ऐसा वजन लगेगा, लेकिन अच्छे से हो जाता है। और खजूर थोड़ा सा गर्म हो आपको लगता है ना, तो तुरंत फिर आपको गैस बंद कर देना, और ऐसे करछली से थोड़ा प्रेस करेंगे ना, तो एकदम नरम हो जाते हैं खजूर, और इतना सारा जो हमारा ड्राई फ्रूट है तो तुरंत गर्म होते हैं। अभी देखो एकदम अच्छे से घुल मिल गया है, गैस बंद कर दिया हमने, और एक बाउल में अभी सब ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना इसका कलर भी देख के। और ये हमारा तैयार है पूरा मिक्सचर। पर खजूर थोड़ा गर्म होता है तो हाथ में ऐसा चटका लगता है, तो आप थोड़ा केयरफुली करना। आप चाहे तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद भी कर सकते हैं इसका, अपने आप ऐसे ही डव बनाना है। हमें ना कोई इसमें ऑयल यूज़ करना है, ना कोई घी यूज़ करना है, क्योंकि आपको हम बता दें कि ये सारे सीड्स हमने लिए, और सीड्स में अपने आप में इतना ज़्यादा ऑयल रहता है कि हमें एक्स्ट्रा बाहर से ऑयल या घी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो कितना अच्छे से ये डव तैयार हो गया है हमारा। और इसका अभी हम इक्वल पीसेस करके लड्डू भी बना सकते हैं, और कोई शेप में भी हम बना सकते हैं, बहुत आसानी से होता है। आपको ऐसा थोड़ा सा हाथ में भी लगाने की ज़रूरत नहीं। आप देखो कितना अच्छा शेप हो रहा है ना इसका, बहुत मस्त लगता है। और ये एक पीस खा लिया तो आपको और कोई भी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है ठंडी में, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशंस होता है। देखो हम बना रहे हैं, ये वाला शेप भी आप अच्छे से बना सकते हो, बाजार में आपको ऐसी चम्मच मिल जाती है। थोड़ा सा ऐसे भर के उसको प्रेस करना है और ऐसे निकालना है, तो ऐसे आप करेंगे तो आपके सारे लड्डू इक्वल शेप में होते हैं, और थोड़ा सा वैरायटी भी हो जाता है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, नीचे आप बादाम भी डाल सकते हो या फिर पिस्ता भी डाल सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हमने तो दोनों तरह के आपको बताया है बना करके, आपको जो पसंद आए आप वो बना सकते हो। और ये लड्डू की खासियत ये है, ये खजूर पाक की, कि आप कभी भी खा सकते हो, ऐसा नहीं सर्दियों में, आप मानसून सीजन में भी इसको खा सकते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है।
हम शक्कर की सारी मिठाइयाँ खाते हैं, तो इससे तो ये बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए बहुत गुणकारी भी होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा ये खाइए, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। इसमें सारी चीज़ें ऐसी डली हुई है जो आपको अपने आप में ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, और कोई भी हमने बाजार का स्वीटनर नहीं डाला है, नेचुरल स्वीटनर डाला हुआ है। तो आप ये जरूर घर पे बनाइए और आप खाइए और हमें बताइए आपको ये वाला मेथड से बनाया हुआ खजूर पाक कैसा लगा।